बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वार्म वेलकम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जैसे कि बेटा आपने बायो का पोर्टल खोला है, तो आज हम अपने स्टडी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है। पढ़ने से हमें ये पहले पता होना जरूरी है कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर बनता है। तो बेटा 9 मार्क्स का इसमें से पेपर बनता है। अब इसमें एमसीक्यूज कितने आते हैं, तो हमें पता चलता है कि 1 एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 2 होते हैं और एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन का पार्ट ए और बी होता है। अब अगर हम मार्क्स को कैलकुलेट करें तो 1 मार्क्स एमसीक्यूज, 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल 9 मार्क्स बन जाते। बेटा किसी भी बोर्ड का पेपर हो, पंजाब के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लाहौर, मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मीन जिस भी बोर्ड का, जो पंजाब के बोर्ड्स हैं 9 के 9, तमाम में इस चैप्टर का जो प्रोपोर्शन है पेपर का वो 9 मार्क्स होता है। लेक्चर 1 है बायोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी वर्ड कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज ए क्रीक वर्ड। क्रीक वर्ड बायोस एंड लॉगोस। बायोस मीन लाइफ, लॉगोस मीन स्टडी। स्टडी मीन टू अंडरस्टैंड द नेचर, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट और डिस्क्राइब। ये तमाम चीजें स्टडी में शामिल होती हैं। अब बायोलॉजी जो है, इसकी 3 डेफिनेशंस आपके सिलेबस में शामिल हैं। द फर्स्ट वन, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। पहली डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। द सेकंड वन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द way of understanding nature, the way of understanding nature, कि हम नेचर जो है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमें बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ। लिटरेरी मीनिंग ऑफ biology means study of life. Life जो है उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। What a biologist? Biologist कौन होता है? Biologist is expert of biology. Biology का जो expert होता है उसको हम biologist कहते हैं। And what biologist deals? Biologists deal with the living part of nature. Biologists deal with the living part of the nature. जो जिंदगी है, that includes plants, animals, microbes, etc. उन तमाम को वो deal करता है, along with the non-living things that affect in any way, like soil का क्या असर है, water का क्या effect है, temperature का क्या effect है, light का क्या effect है, और ये चीजें temperature किस तरीके से हमें affect करती हैं, इन तमाम चीजों को बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है और
डील करता है। नेक्स्ट इज द लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी को बनाने का मकसद क्या है। बायोलॉजिस्ट इन सवालों के जवाब नहीं देता, बिकॉज दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। फिर इन कहे सवालों के जवाब कौन देगा बेटा? इन सवालों के जवाब देगा मजहबी स्कॉलर यानी के थियोलॉजन और ए फिलोसफर। ये हमें बताते हैं, जैसे इस्लाम हमारा मजहब जो है वो हमें बताता है कि लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ का मतलब क्या है, और अल्लाह ताला ने लाइफ को, जानदारों को, प्लांट्स को, एनिमल्स को क्यों पैदा किया। अब बायोलॉजिस्ट का क्या स्कोप है फिर? बायोलॉजिस्ट का स्कोप ये है कि बायोलॉजिस्ट जो है दैट डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू हाउ लाइफ वर्क्स, कि जिंदगी किस तरीके से काम करती है, लाइफ किस तरीके से वर्क करती है, इन चीज को बायोलॉजिस्ट जो है वो डील करता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ, हाउ कैन वी डिफाइन लाइफ, हम कैसे लाइफ की डेफिनेशन कर सकते हैं? तो बेटा, वी कैनॉट डिफाइन लाइफ इन ए सिंगल सेंटेंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि आप लाइफ को एक लाइन में, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर डिफाइन कर सकें। तो फिर हम लाइफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं, तो दैट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को सेट करता है जो उसको लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन और लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें डेड ऑर्गेनिज्म भी शामिल है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, बायोलॉजिस्ट डिफाइन के दैट इज द लिविंग थिंग्स, दैट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जिनमें ये करेक्टर अब्सेंट होंगे, बायोलॉजिस्ट से दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अब वो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आपके सामने ह्यूमन की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो इस दैट इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली स्पेसिफाइड। लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वो यूनिसेलर हैं यानी कि सिंगल सेल्ड हैं, या फिर एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हैं जिनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि डिवीजन है दो। इसके बाद नेक्स्ट जो है, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्ट। आपको पता है जीन यूनिट जो है, और जीन जो है वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, और जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। प्लांट्स एक्वायर करते हैं एनर्जी को लाइट की सूरत में, एनिमल्स एनर्जी एक्वायर करते हैं फूड की सूरत में, और फिर इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये खूबी है कि उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो कि दो तरह के हैं, एक
एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और दूसरे कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये खसूसियत है कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस होता है। कैन ग्रो इन साइज, उनका साइज वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ बढ़ता है। जैसे आपको एक प्लांट का सीडलिंग नजर आ रही है जो अल्टीमेटली ग्रो करके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही ह्यूमन का जो किड होता है, वो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, फिर वो साइज में बढ़ता है और एडल्ट बन जाता है और उसका वेट, उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। देन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, आप खुद भी ये चीज जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ खुद भी होता है कि अगर हमें गर्मी लग रही होती है तो हम ठंडी जगह पे जाके एकोमोडेट करते हैं अपने आप को, या अगर गर्मी ज्यादा हो और हम बाहर धूप में हों तो हम साए की तरफ, तमाम जानवर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन होता है, उसमें नैरो फ्लक्चुएशन होती है, और ये जो फिनोमेना है इसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। Produce offspring similar to themselves. तमाम living organisms reproduction करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये reproduction जो है asexual भी हो सकती है और sexual भी हो सकती है। दोनों types की reproduction का results to produce the young ones of their own kinds. Next जो है, that is the last characteristic, response to change in environment. Every living organism give the response to change in the environment. आप भी अपने moods, कभी आपका mood pleasant होता है, कभी आपका reaction जो है वो बड़े ही खतरनाक किस्म का होता है। ऐसे ही हमें जब प्यास लगती है तो जैसे ही हमें पानी नजर आता है तो हम फौरन उस glass को उठाते हैं, क्योंकि उस वक्त glass जो है वो, पानी जो है वो stimulus है और उसको हम ड्रिंक कर लेते हैं। दीज आर द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेस पे हम लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये जानदार है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देन देर आर सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो कि आज हम पढ़ेंगे। अमूमन इन ब्रांचेस के मुतालिक आपकी जो बुक है उसमें इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो मीनिंग्स के साथ अगर हम वर्ड यूज कर लें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ, तो ये सारे के सारे डेफिनेशंस बन जाती हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस कॉमन है, लाइक इकोलॉजी इंटर्न जो रिलेशनशिप है विद एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल रिलेशनशिप आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं The branch of biology which deal with the study of environmental relationship with organism. Yeah, one word, environmental relationship between organism and environment. Simple is that. और इसका मतलब है कि माहौल के साथ हमारा तल्लक, हमारे इर्द गिर्द के साथ हमारा जो तल्लक है वो ecology है. Embryology, simple is development. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डेवेलपमेंट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, या सिंपल डेवेलपमेंट आपको नजर आ रहा है एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता साइज में डेवेलप करता जा रहा है और अल्टीमेटली वो अपना साइज जो है वो अटेन कर लेता है। फिजियोलॉजी दैट मीन फंक्शंस, फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और ऑफ ए ऑर्गेनिज्म बॉडी, कि हमारा हार्ट क्या काम करता है, हमारे लंग्स क्या काम करते हैं, हमारा ब्रेन क्या काम करता है, दैट इज मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी मीन फंक्शन, टू स्टडी द फंक्शन। मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको नजर आ रहा है प्लांट नजर आ रहा है, फ्लावर नजर आ रहा है, इनकी स्ट्रक्चर है किस तरह से नजर आ रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन फॉर्म,
एक कौन सा जानवर, कौन सा प्लांट हमें किस तरह का नजर आता है, उसकी जो विजन है, उसका जो नजर आना है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, दैट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मीन स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, नॉट मीन स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या है। मीन जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करते हैं और उसके अंदर जितने भी उसके सिस्टम्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो इट इज ए एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज ए एनाटॉमी। कि हम जब किसी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाती है। पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसल्स, स्टडी ऑफ फॉसल्स, फॉसल्स जो हैं उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, और मोर एक्यूरेटली इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, क्योंकि हम टिश्यूज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आप बोन टिश्यूज देख रहे हैं, ब्लड टिश्यूज देख रहे हैं, तो ये हमें नेकेड आई से नजर तो नहीं आएंगे, उनकी स्टडी के लिए जरूरी है कि हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करें। एवोल्यूशन, किसी चीज को इर्तका को एवोल्यूशन कहते हैं, दैट मीन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, अबाव अजदाद की जिंदगी, उनकी जो तरीक है कि इंसान कैसे डेवलप किया, किस तरह से एवोल्यूशन हुई, ये तमाम स्टडी जो है वो एवोल्यूशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री इज द एवोल्यूशन। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन, सिंपल, वेरी सिंपल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी मटीरियल, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जीन क्रोमोसोम की स्टडी, जीन की स्टडी, डीएनए की स्टडी, दैट इज द जेनेटिक्स। जूओ जियोग्राफी, जूओ मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर्स, कि एनिमल्स जो हैं किस जगह पे किस तरह के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर एंड दैट इज नोन एज जूओ जियोग्राफी। बेटा इन टॉपिक में जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें से कुछ पास पेपर्स में एमसीक्यूज आए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ऐसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, आपको पता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, द एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर इज जूओजियोग्राफी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अभी हमने पढ़ा फिजियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज एनाटॉमी, एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मॉर्फोलॉजी। आप देखें ऊपर इंटरनल लगा तो एनाटॉमी होगी, और स्ट्रक्चर लगा सिंपल तो मॉर्फोलॉजी। अब इसी वाले पोर्शन में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पास पेपर्स में, लाइक गिव फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफाइन इकोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो बेटा ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह कल हम अगले लेक्चर के साथ, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा बायोलॉजी का, इसी पोर्टल के ऊपर यानी कि बायोलॉजी के पोर्टल के ऊपर दोबारा मिलेंगे, और
अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे आज के लिए. टुडे इट इज द टाइम टू लीव. थैंक यू वेरी मच.